गाजीपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार उप संपादक की खास रिपोर्ट। बॉक्सर साधना का चयन साई खेल छात्रावास में गौतम स्पोर्ट्स एकेडमी में लेती थी प्रशिक्षण। क्षेत्र के अमेहता गांव की निवासिनी साधना राजभर का चयन से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थित साई खेल छात्रावास में हुआ है। साधना वहां बॉक्सिंग का प्रशिक्षण प्राप्त करेगी। साधना राजभर के पिता का स्वर्गवास वर्षों पहले हो चुका था। परिवार के अन्य सदस्यों से सहारा न मिलने के कारण साधना की मां सविता देवी अपनी पुत्री साधना व पुत्र शिवम को लेकर तहसील के ही नेवादा ग्राम स्थित अपने मायके रहकर गुजर बसर करने लगी। मां सविता देवी बताती हैं कि बगल के गांव गैबीपुर में संचालित गौतम स्पोर्ट्स एकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बॉक्सिंग खिलाड़ियों को देख मैं बहुत प्रभावित हुई, परंतु आर्थिक समस्या होने के कारण हिम्मत नहीं जुटा पाती थी, पर सहारा बनकर सामने आए एकेडमी के प्रबंधक अमित कुमार सिंह ने साधना का प्रशिक्षण इत्यादि का सारा खर्च उठाने का प्रस्ताव दिया। फिर देर क्या थी, अगले ही दिन से एकेडमी में साधना का प्रशिक्षण आरंभ हो गया। मुनीत सिंह यादव व जयहिंद यादव के देखरेख में साधना का संपूर्ण प्रशिक्षण होता रहा। इस उपरांत उसने अपने 3 वर्ष के मेहनत के दम 2 बार जिला, 2 मंडल, 1 राज्य व 1 राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में पदक जीतकर अपने आप को साबित किया। गौतम स्पोर्ट्स एकेडमी के प्रबंधक व जिला मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष अमित कुमार सिंह ने बताया कि साधना राजभर बहुत ही प्रतिभावान बॉक्सिंग की खिलाड़ी है, जिसने ढेरों पदक जीतकर एकेडमी एसोसिएशन व जिले का नाम रोशन किया है। चूंकि अब साधना का चयन भारतीय खेल प्राधिकरण के अंतर्गत संचालित BHU के महिला छात्रावास में हो गया है, तो अब साधना का प्रशिक्षण और बेहतर तरीके से होगा। साथ ही बॉक्सिंग की संपूर्ण खेल संसाधन सरकारी सहयोग से प्राप्त होगा। सोमवार को एकेडमी में साधना राजभर को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला मुक्केबाजी संघ से शशिभूषण सिंह नेवादा, ग्राम प्रधान शिवराम राजभर, कन्हैया यादव, कुमेंद्र सिंह, ओम प्रकाश राजभर, अशोक सोनकर, प्रमोद राम, सिकंदर राजभर, उमेश राजभर, डबलू कुमार, सत्यम श्रीवास्तव, नीरज यादव व एकेडमी के दर्जनों खिलाड़ियों सहित ग्रामवासी उपस्थित थे। मेरा नाम साधना राजभर है और मैं अमेहता की रहने वाली हूँ। अपने नानी यहाँ ट्रेनिंग रहती हूँ और गौतम स्पोर्ट्स एकेडमी में ट्रेनिंग करती हूँ। आप किस गेम से जुड़ी हुई हैं? बॉक्सिंग गेम से जुड़ी हुई हूँ। आप इस गेम में कौन कौन से पदक जीते हैं और कौन कौन से गेम खेले हैं? सबसे पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर मंडल खेला, फिर स्टेट खेला और नेशनल भी खेला है। अभी सुनने में आया है कि आपका सिलेक्शन साई वाराणसी में हुआ, इसके बारे में आप बताइए। मेरा साई हॉस्टल में सिलेक्शन हुआ, इससे मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ और मैं ये सारा अपने कोच सर को देना चाहती हूँ, वो मुनीत सर हैं। और अमित सर ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया और आगे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया है उन्होंने। पहले आप अपना परिचय बताइए सर। मेरा नाम अमित कुमार सिंह है और मैं गौतम स्पोर्ट्स एकेडमी गैबीपुर में संचालित है, मैं इसका MD हूँ और जिला मुक्केबाजी संघ गाजीपुर का अध्यक्ष हूँ। आपकी स्टूडेंट साधना राजभर का साई वाराणसी में सिलेक्शन हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, विगत साल भी साधना राजभर ने साई BHU का ट्रायल दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से वहाँ पर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया, लेकिन इस बार साधना ने परफॉर्मेंस दिया और वहाँ से हमारे वहाँ के अधिकारियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि साधना के प्रतिभा को वहाँ के अधिकारियों ने समझा और वहाँ पर साधना राजभर का सिलेक्शन हो गया है। अभी 1 सप्ताह पहले हम लोगों को लिस्ट मिला और लिस्ट मिलने के बाद खुशी का आलम था, हमारे एकेडमी में बहुत खुशी का माहौल था। चूँकि आज साधना राजभर की विदाई है, इसलिए हम लोग आज यहाँ पर सभी गांव वाले और हमारे खिलाड़ियों के तमाम दर्शक, जैसा कि आप देख सकते हैं गांव के हमारे बहुत सारे प्रांत लोग भी उपस्थित हैं और ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पर साधना राजभर का वेलकम करने आए हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं साधना राजभर का साई में सिलेक्शन हुआ है, ऐसे और कितने आपके एकेडमी के बच्चे हैं जो आगे जाकर सफल हुए हैं? जी, हमारे एकेडमी में यूँ तो ताइक्वांडो का एक गढ़ माना जाता है, जैसे दर्जनों खिलाड़ी हमारे सेंटर से अभी तक भर्ती हो चुके हैं। बहुत सारे खिलाड़ी इंडियन आर्मी में हैं, सेवा दे रहे हैं और UP पुलिस में हैं, आर्मी की बॉयज़ कंपनी में हैं और तमाम जगह पे हमारे खिलाड़ियों का ट्रायल सिलेक्शन होता आया है। लेकिन गौतम स्पोर्ट्स एकेडमी की पहली बॉक्सर खिलाड़ी साधना राजभर है, जिसका सिलेक्शन साई के छात्रावास में हुआ है, जिससे हमारे अन्य खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ पे कुछ ग्रामीण जुटे हुए हैं, जो आप सर अपने बारे में आप बताएं। हम ग्रामीण लोग हैं और यहाँ पर गौतम एकेडमी से जुड़े भी हैं और हमारे बच्चे हम लोगों के आते हैं कि सीखते हैं, हमको बहुत हर्ष की बात है, खुशी की बात है। और क्या, साधना राजभर का सिलेक्शन साई वाराणसी में हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हमको बहुत प्रोत्साहन, बहुत जो खुशी है
हमारे ग्रामीण से और बाजार के लिए हम लोग खुश। आप सर कहना चाहेंगे साधना राजभर के बारे में? साधना राजभर के बारे में हम अति खुश हैं और हम ग्रामीण के हैं और ये जो है बंशिंग इनका जो है बहुत योगदान है उन हर बच्चों के विषय में। हम ओम प्रकाश राजभर 52 गांव के चौधरी हैं और अच्छी सोच है, अच्छी विचार है कि इनके वजह से हर बच्चे गांव के उत्साही हों, खेलें और अच्छे ढंग से रहें, हमारा सोच यही है। जैसा सर हम आपसे पूछना चाहेंगे, आज के डेट में लड़कियों को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है और ऐसे एकेडमी में लड़कियों को आगे बढ़ाकर एक मुकाम दी जाती है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम बोलना चाहेंगे कि हम ग्राम प्रधान बोल रहे हैं शिवराम राजभर, जो भी गौतम बॉक्सिंग है, मतलब उसके लिए हम लोग बहुत उसके लिए बधाई देते हैं, धन्यवाद करते हैं। Thank you.